फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर हीटर का, जो कि आप ये देख सकते हैं ये जला हुआ है, पानी को अभी गर्म नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इसका रिपेयरिंग करके दिखाते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या हुआ है और ये क्यों बंद हो गया है। ज़्यादातर लोग यदि ये पानी को गर्म नहीं करता है तो ख़राब समझ करके कि जल गया है फेंक देते हैं इसे, या फिर दूसरा ले लेते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ होता नहीं है। आप भी इसे इस वीडियो के माध्यम से अपने वाटर हीटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, जो कि पानी को अभी गर्म नहीं कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक इसका वायर टूट गया है हीट होकर के। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ होता नहीं है, बस ये कॉइल एक है और डायरेक्टली आकर के इसमें आपके घर का जो लाइट रहता है, इसमें दोनों वायर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट रहता है। तो चलिए पहले इसको साफ़ करते हैं अच्छी तरीके से, इसके बाद इसको इसमें कनेक्ट करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि ये पानी को गर्म कर पाता है या फिर ये कॉइल ही मेरा जल गया है। एक हम एक कॉपर का वायर लेंगे और इसके ऊपर रख करके और ऐसे लपेट करके अच्छी तरीके से इसे बांधेंगे, ताकि थोड़ा भी स्पार्क ना हो और यहाँ पे हीटिंग ना हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से इसको जोड़ दिए हैं। सेम इसी प्रकार से इस वाले वायर को भी इसमें कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इस दोनों टर्मिनल को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए फटाफट से इसको इसके अंदर कसते हैं और इसके बाद टेस्टिंग इसका करेंगे कि ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसे पानी गर्म करके देखते हैं। तो अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, पानी के अंदर। तो इसके बाद इसको प्लग इन करते हैं अब, तो देखेंगे कि ये पानी को गर्म कर रहा है, ये मेरा हीटर बन गया या फिर अभी नहीं बना है। तो मैंने प्लग को इन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये पानी गर्म होना शुरू हो गया है। तो आप इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से अपना भी जो भी हीटर ख़राब हो पानी गर्म करने वाला, तो पहले उसको खोल करके अंदर में देख लीजिए कि उसमें क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। So, thank you for watching.